झांसी इलाहाबाद रेलवे लाइन पर मिला एक शव। झांसी से प्रयागराज की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर रानीपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक मऊरानीपुर की तरफ पटरियों पर शव पड़ा हुआ मिला। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों के द्वारा मामले की जानकारी स्टेशन मास्टर सहित पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन से नजदीक पटरी पर सुबह सुबह रेलवे कर्मचारियों के द्वारा पटरी का निरीक्षण किया जा रहा था, उसी दौरान बीच पटरी पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने अधिकारियों को दी गई। इसके साथ ही आसपास मौजूद लोगों के द्वारा शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया, तो वहीं शव की शिनाख्त दयाराम कुशवाहा पुत्र ठल्लू उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक देर रात यह घटना हुई है, जिसमें ट्रेन से कटकर दयाराम की मौत हो गई। नाम आपको? विनोद कुमार। क्या है आप? ट्रैकमैन है। ट्रैकमैन, क्या घटना हुई है? घटना ये है कि सवेरे चाइवमैन आता है सेक्शन देखने के लिए, तो 86 जीओ की तरफ से चला आ रहा था सेक्शन देखते हुए। उधर से आया तो डेड बॉडी भी सेंटर में थी जी। इन्होंने कहा कि साहब को सूचना दी जी। साहब ने मेरे को बुलाया जी। वहाँ से हम आए, डेड बॉडी को बाहर किया जी। तो पता लगा किसकी है? नहीं, अभी तो अभी परिजन आए थे, सवेरे से तो कोई जानकारी नहीं थी। अभी जो बताया गया कि कस्बा रानीपुर के रहने वाले, क्या नाम बताया इनका? ये दयाराम। दयाराम कुशवाहा। कुशवाहा। आखिर दयाराम रेलवे पटरी पर कैसे पहुंचा? दयाराम के द्वारा इस तरह का कदम क्यों उठाया गया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी रानीपुर पंकज मिश्रा ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।